4 दिसंबर को लगेगा साल 2021 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। आखिरी सूर्य ग्रहण बनेगा बड़ी ज्योतिषीय हलचल का साक्षी। सूर्य ग्रहण के समय दो ग्रह अस्त और दो ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। 4 दिसंबर कार्तिक अमावस्या के दिन आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष सावधानी जरूरी रहेगी। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। 4 दिसंबर 2021 को यानी इस साल 4 दिसंबर को इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। ये ग्रहण बड़ी ज्योतिषीय हलचल का साक्षी भी बनेगा। इस ग्रहण के दिन वृश्चिक राशि में 4 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में इस दिन पाप ग्रह केतु, चंद्रमा, सूर्य और बुध मौजूद रहेंगे। इस दौरान 2 ग्रह अस्त रहेंगे और 2 ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। इस दिन बुध और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन होगा वह बुध आदित्य योग भी बनाएगा, लेकिन केतु और चंद्रमा से ग्रहण का योग भी बनने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान वृश्चिक राशि वालों को खास तौर पर सावधान रहना होगा, क्योंकि इसी राशि पर ग्रहण लगने जा रहा है। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि भी है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस साल 2 सूर्य ग्रहण का योग बना है, जिसमें से 1 सूर्य ग्रहण 10 जून को लग चुका है और अब 4 दिसंबर को शनिवार को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इस साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों और खगोल विज्ञानियों के लिए इंतजार का विषय बना है। सूर्य को ग्रहों का अधिपति भी कहा जाता है, यानी सूर्य सभी ग्रहों में एक राजा की हैसियत रखते हैं। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण की घटना को ज्योतिष की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का जो बिंब है वो कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी को रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये घटना सदा सर्वदा अमावस्या को होती है। अब 4 दिसंबर को जब अमावस्या के दिन आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा तो इस दिन चंद्रमा और बुध ग्रह जो है वो अस्त रहेंगे, जबकि राहु और केतु अपने स्वभाव के अनुसार वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल चल रहे होंगे। इस दिन राहु वृषभ राशि में होगा, मंगल तुला राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि जो है वो अपनी मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे, जबकि वृश्चिक राशि में केतु, चंद्रमा, बुध और सूर्य ये 4 ग्रह एक साथ होंगे। सूर्य ग्रहण के ठीक एक दिन के बाद यानी 5 दिसंबर को मंगल ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर होगा, यानी मंगल का राशि परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य ग्रहण की घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही देश दुनिया पर भी इस ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि में लग रहा है तो सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर ही देखने को मिलेगा, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दौरान वृश्चिक राशि वालों को क्रोध से, तनाव से और अहंकार से दूर रहना चाहिए। धन और सेहत के मामले में भी सावधान रहना होगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि 4 दिसंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। ये सूर्य ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। सूतक काल का नियम उसी दिशा में पालन किया जाता है जब सूर्य ग्रहण पूर्ण हो। सूतक काल में शुभ कार्य, पूजा पाठ और भोजन जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब ग्रहण आंशिक होता है या उपछाया होता है तो सूतक काल के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं माना गया है। 4 दिसंबर को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखेगा, इसलिए शुभ कार्य भी वर्जित नहीं होंगे। उस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं होंगे। ये सूर्य ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। फिर भी गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष सावधानी जरूरी रहेगी।
पौराणिक मान्यता है कि ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है तो सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। ग्रहण के समय कई तरह की एनर्जी, कई तरह की ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, जो गर्भ में पल रहे शिशु पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष उपाय करने की सलाह भी दी जाती है। ग्रहण के समय तेज धार वाली तीखी चीजों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ग्रहण के दौरान क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को शुद्ध कर लें। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। ग्रहण काल में अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करना जो है वो शुभ रहता है। ग्रहण काल में दान करना बहुत शुभ माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर से स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। एक बार चलते चलते कुंडली टीवी के दर्शकों को मैं फिर बता दूं कि 4 दिसंबर को इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। मैं गुरमीत बेदी